अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। डंकी की आगे टिकेगी? डंकी फंकी नहीं चलेगी। सुपर हिट प्रभास और उसका एक्टिंग और एक्शन। आप स्टार, बहुत बड़े स्टार हैं, तो उसके नाम पे फिल्म हिट हो जाएगी। कहानी होना चाहिए, शाहरुख खान बहुत अच्छा एक्टिंग कर ले, और कहानी ना हो तो कोई फायदा ही नहीं है। सलार इससे बहुत बेस्ट मूवी है। I am speechless. इसका कोई कंपेयर आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप डंकी के साथ। सिनेमा घरों के बाहर जिस जगह पर गुरुवार को डंकी का पोस्टर लगा हुआ था, आज वहां सालार का पोस्टर लगा हुआ है। जी हां, दिग्गज डायरेक्टर प्रशांत नील की इस साल की सबसे बड़ी फिल्म सालार पार्ट 1 सीज फायर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। आज यानी कि 22 दिसंबर को यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, और फैंस के बीच में अपने फेवरेट एक्टर प्रभास को लेकर अलग ही ऊर्जा भर गई है। फैंस के इसी उत्साह को देखते हुए पटना के कई सिनेमा घरों ने डंकी को उतार सालार का पोस्टर लगा दिया है। हालांकि शाहरुख खान के भी चाहने वालों की संख्या कम नहीं है, लेकिन सालार देखने के बाद फैंस ने कहा कि इसके आगे शाहरुख खान धुआं है, अब उनमें पहले वाली बात नहीं रही। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। डंकी की आगे टिकेगी? डंकी फंकी नहीं चलेगी। सुपर हिट। सुनिए, आइए ना, सबसे खास इसमें क्या लगा आपको? प्रभास और उसका एक्टिंग और एक्शन। अच्छा, शाहरुख खान का भी फिल्म आया हुआ है? वो मैं नहीं देखी हूँ। बहुत अच्छी थी। सबसे खास क्या लगा इसमें? इसका इंटरेस्ट अच्छा लगा, जो मार्केट का वो अच्छा लगा। शाहरुख खान की भी फिल्म आई हुई है? हम नहीं देखा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। एक्शन कैसा है? अच्छा है। शाहरुख खान। प्रभास की फिल्म देखने जा रहे हैं, उसका भी ट्राई करते हैं। आप स्टार, बहुत बड़े स्टार हैं, तो उसके नाम पे फिल्म हिट हो जाएगी। कहानी होना चाहिए, शाहरुख खान बहुत अच्छा एक्टिंग कर ले, और कहानी ना हो तो कोई फायदा ही नहीं है। सलार इससे बहुत बेस्ट मूवी है। पब्लिक से अनुरोध है कि जाइए, और जितने भी लोग हैं, अधिपुरस में जो प्रभास को डाउनफॉल गया था, बहुत बेइज्जती हुई थी, उससे बहुत अच्छा कमबैक किया है प्रभास ने। बहुत एक्शन है, जैसे कि इनका मूवी एक आया था रेबल, अभी कुछ नहीं जानी है, वो तो ये अपडेट रेबल है। डंकी से तो बेहतर लगा, हाँ, क्योंकि डंकी आज से 5 साल पहले वाला मूवी है। 5 साल पहले हुआ थी तो बहुत अच्छा करती है, क्योंकि उसका जोक प्रिडिक्टेड जोक्स है, ठीक है। हाँ, OTT सब कुछ है, प्रिडिक्ट कर लेता है, लोग जानकार हो गया, कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है ना अभी का। इसमें है कि काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर है। हाँ, आने वाला इसका सेकंड पार्ट और बेहतर होगा, एक सीक्रेट है, थोड़े स्पाइलर हो जाएगा। रॉकी भाई जैसा वहाँ पे लीडर था ना, इसे भी नहीं पता है कि ये लीडर है। अच्छा। हाँ, सलार भी लीडर बनेगा, ठीक है। क्या लगता है आपको, कैसी है सलार? अमर एक ही शब्द बोलेंगे, I am speechless. इसका कोई कंपेयर आप नहीं कर सकते आप डंकी के साथ। इसका डंकी का इसके सामने कोई मतलब लेवल ही नहीं है। डंकी पास एक ड्रामा है, और बस ड्रामा ही है। ये रियलिटी है मूवी, रियल एक्शन, रियल स्टोरी, रियल पॉलिटिक्स। एक कुर्सी के लिए कोई किस हद तक गिर सकता है, ये उसमें दिखाया गया है कुर्सी के लिए। और कुर्सी के लिए हिंसा पहले भी होती थी, और आज भी होती ही है। महाभारत हमेशा से रहेगी, अब तक कुर्सी है, राजगद्दी है, महाभारत आपको रहेगी ही रहेगी। बॉक्स ऑफिस में क्या लगता है डंकी? नहीं सलार, डंकी इसको कभी भी, डंकी से आगे कभी आ ही नहीं सकती है। डंकी का कोई लेवल नहीं है उसका। डंकी का कोई क्लास नहीं है उसका, कोई लेवल नहीं, कोई क्लास नहीं। ये रियल एक्शन है, रियल स्टोरी है, रियल परफॉर्मेंस है। सब चीज़ खतरनाक, डायरेक्शन खतरनाक, हर एंगल से मूवी जो है जबरदस्त। कितना कमाई कर सकती है? वो भी मैंने तो एक्सपेक्ट किया था 1000 करोड़। फिल्म बहुत बढ़िया है। कहाँ सबसे खास? दोस्ती पे फिल्म है, और दोस्ती बहुत बढ़िया से निभाया गया है, जैसे दिखाया भी गया है, और बहुत बढ़िया लगा। कैसी लगी फिल्म? अच्छा है, अच्छा है। सबसे क्या लगा? अरे एक्शन है। अच्छा, कैसी लगी फिल्म? बढ़िया। कैसी लगी? अच्छी। कैसी लगी फिल्म? कैसी लगी फिल्म? खतरनाक। कैसी लगी फिल्म? कैसी लगी फिल्म मंगल? ब्लॉकबस्टर। कैसी लगी फिल्म? अच्छी मूवी है। सबसे खास क्या लगा? अरे एक्शन मूवी है, अच्छा लगा। डंकी से बढ़िया है कि खराब? डंकी से बढ़िया है। इसके सामने डंकी कुछ नहीं। बहुत अच्छा।
अच्छा था, सबसे खास क्या लगा? सबसे खास लगा कि हमको ये केजीएफ का डायरेक्शन, जो डायरेक्टर है वो डायरेक्ट किए हैं, उसी टाइप का कुछ फिल्म लगा हमको। कुल मिलाकर बात ये है कि सलार का फर्स्ट शो देखकर लौट रहे फैंस का उत्साह डंकी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी सबकी नजरें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर टिकी हुई है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही ये बताएगा कि फिल्मी दंगल में कौन बाजी मार रहा है। पटना से लोकल एटिंग के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।